आई एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवंथ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट द फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। हम अपने इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में ला के चेक करेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, डेट इज एक्स प्लस टू का होल क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स क्यूब टू एक्स इंटू माइनस वन यानी माइनस टू एक्स। एक्स प्लस टू का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, यानी ये ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। हमें एक्स प्लस टू के होल क्यूब को निकालना है, ए की जगह एक्स है और टू की जगह बी है, यानी एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी टू इंटू ए प्लस बी, ए यानी एक्स प्लस बी यानी टू, डेट इज एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, डेट इज एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू प्लस टू प्लस ट्वेल्व एक्स, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स को अपोजिट साइड लाने पे माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेट इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज not of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Hence, this is not a quadratic equation. हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमने निकाला है माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम डिग्री 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है।